बिमला ने अपनी चारों सौतेली बेटियों को बहुत मारा। बिमला की खुद की बेटी आकांक्षा ने भी डंडे से चारों को मारा। उन चारों की गलती ये थी कि उन लोगों ने बिमला और आकांक्षा का बाथरूम यूज किया था। बहुत शौक है बाथरूम यूज करने का, तेरी माँ ने बनाया था क्या ये बाथरूम? नहीं माँ, लेकिन हम शौच करने कहाँ जाएंगे, इस घर में तो एक ही बाथरूम है। तभी आकांक्षा एक बाल्टी लाई। इसमें करेगी, समझी तुम लोग इस घर के मालिक नहीं हो, तुम लोग की हैसियत बस नौकरानी बनने की है, इसीलिए औकात में रहना। हाँ, इसी बाल्टी में शौच करना और इसी कमरे में रहना। ये बोलकर बिमला ने चारों को एक कमरे में बंद कर दिया। चारों के पास शौच करने के लिए बस एक बाल्टी है। ये सोचकर चारों रो पड़े। हम दिन भर कुत्तों की तरह काम करते हैं और शौच के लिए बाथरूम भी यूज नहीं कर सकते, ये कहाँ का नियम है? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। पापा थे वो भी चले गए। चारों रोते हुए अपने माता पिता को याद करने लगे। उनकी माँ का देहांत पल्लवी को जन्म देते वक्त ही हो गया था। उसके बाद उनके पिता ने बिमला से शादी कर ली और एक साल बाद आकांक्षा का जन्म हुआ। उसके बाद से ही चारों बहनों के ऊपर अत्याचार होता था। उन लोगों को घर का सारा काम भी करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पहले उनके पिता का भी देहांत हो गया और उसके बाद से अत्याचार मानो 10 गुना बढ़ गया। अब तो बाथरूम यूज करने में भी पाबंदी है, भला एक बाल्टी में हम चार कैसे करें? पूजा ने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह उठकर चारों ने बाल्टी में ही शौच किया और उसके बाद प्रिया बाल्टी लेकर जंगल गई और बाल्टी को फेंक कर वापस चली आई। लेकिन आते ही बिमला ने कहा, बाल्टी कहाँ गई? वो तो मैंने फेंक दिया माँ। फेंक दिया? वो मैंने तुझे फेंकने के लिए दिया था क्या? लेकिन उसमें तो गंदगी थी। अरे तो क्या मैं तुम लोगों के शौच के लिए हर रोज नई बाल्टी दूंगी? कलमू ही पैसा बर्बाद करती है। ये बोलकर बिमला ने प्रिया को बहुत मारा। बाकी तीनों प्रिया को बचाने आए तो बिमला ने उन लोगों को भी मारा। चारों को दोपहर का खाना तक नहीं मिला। वो लोग जब खाना मांगने गए तब आकांक्षा ने कहा, खाने के बाद प्रेशर आता है और तुम लोगों ने तो बाल्टी फेंक दी, तो अब शौच कहाँ करोगे, इसीलिए आज तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। खाली पेट चारों दिन भर काम करते रहे। बिमला ने कहा, जब तक तुम लोग खुद के लिए शौच करने की व्यवस्था नहीं कर लोगे तब तक तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो खाना खा के ये लोग हमारा बाथरूम गंदा करेंगे। चारों मुश्किल में पड़ गए। रात भर सोचने के बाद पूजा को एक आइडिया आया। पूजा ने सबको बताया, हाँ यही करेंगे, हमारे पास खुद का एक बाथरूम तो होगा। अगले दिन चारों मिलकर जंगल से लकड़ी और पत्ते ले आए और घर के पीछे गड्ढा खोदकर लकड़ी और पत्तों से ढककर एक झोपड़ी बाथरूम बना लिया। अरे वाह, बन गया हमारा झोपड़ी बाथरूम। लेकिन रात को आएगी तो हम क्या करेंगे, जंगल पास में ही है, जंगल में भूखे जानवर रहते हैं और ऊपर से इतनी ठंड है। अरे बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, उससे अच्छा तो ये है ना, अब आगे हम देख लेंगे। हाँ, अगर किसी को रात में आएगी तो हम तीनों मिलकर बाहर आएंगे और यहाँ पर खड़े रहेंगे। ऐसे ही चलता रहा। खुद का बाथरूम पाकर चारों बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए लेकिन जंगल में आसपास के गांव के लोग भी सुबह सुबह शौच करने जाते हैं और झोपड़ी बाथरूम लकड़ी और पत्तों से बना हुआ है, इसलिए बाहर से थोड़ा बहुत दिखता है। एक दिन सुबह पूजा झोपड़ी बाथरूम में शौच कर रही थी, इतने में दूसरे गांव के दो लोग वहां से गुजर रहे थे। अरे वो देख, एक लड़की उस झोपड़ी बाथरूम के अंदर बैठी हुई है। हाय हाय, सुबह सुबह क्या नजारा है, मजा ही आ गया। दोनों वहां खड़े होकर देखते रहे। प्रिया ने ये देख लिया। प्रिया तब लकड़ियां छील रही थी, उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। वो चाकू लेकर दोनों के पास गई। और देखना है, आजा, आना। चाकू देखकर दोनों भाग गए। चारों बहनें चिंता में पड़ गईं। एक तो पूरा दिन बिमला और आकांक्षा की किचकिच, ऊपर से ये टेंशन कि कोई शौच करते हुए देख ना ले। इसी टेंशन में चारों के दिन बीतते रहे। एक दिन बिमला और आकांक्षा अपने कमरे में बैठे हुए थे। आकांक्षा ने बिमला से कहा, माँ इन लोगों ने बाथरूम तो बना लिया है, क्यों ना हम उस बाथरूम को तोड़ दें? हाँ, ये अच्छी बात करी है तूने, इन लोग के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन बिमला ने चारों को बुलाया और गांव के बाहर एक दुकान में कुछ लाने के लिए भेज दिया। चारों चले गए। माँ चलिए अभी तोड़ देते हैं झोपड़ी बाथरूम, बहुत मजा आएगा। आकांक्षा और बिमला ने मिलकर झोपड़ी बाथरूम को तोड़ दिया। वो चारों लौट आए और टूटा हुआ बाथरूम देखकर रोने बैठ गए। अरे ये क्या, किसने किया, तोड़ दिया है बाथरूम को, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज थी ये बाथरूम, ये भी तोड़ दिया। बिमला ने कहा,
हमने कुछ नहीं किया, पास में ही जंगल है, आसपास बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, उन्हीं में से किसी ने किया होगा। पूजा ने सबको तसल्ली दी। कोई बात नहीं बहन, हम फिर से बना लेंगे, कल ही हम जंगल में लकड़ी और पत्ते लाने जाएंगे। अगले दिन चारों जंगल में लकड़ी लाने चले गए और लकड़ी और पत्तों से फिर से झोपड़ी बाथरूम बना लिया। और उसी रात प्रिया को रात के वक्त प्रेशर आ गया। अरे मुझे बाथरूम जाना होगा, कितनी रात हो गई है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रिया बाथरूम गई और बाकी तीनों बाथरूम के बाहर खड़े रहे। प्रिया तू चिंता मत कर, हम सब यही हैं, कोई जानवर आएगा भी तो हम उसे भगा देंगे। और जिसका डर था वही हुआ, अचानक से कहीं से एक भालू आ गया। अरे बाप रे भालू। तीनों ने अपने हाथ में एक एक डंडा उठा लिया और भालू को भगाने लगे। सभी के मिलकर भगाने से भालू डर गया और वहाँ से भाग गया। झोपड़ी बाथरूम से निकलकर प्रिया ने कहा, तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता आज। अरे पगली हम बहने हैं ना, हम सर्वदा एक दूसरे के साथ रहेंगे ऐसे ही। वो कहते हैं ना एकजुट होने के बाद ही असली शक्ति का एहसास होता है, लेकिन उधर बिमला और आकांक्षा बहुत खुदगर्ज है। वो दोनों तो बस अपने बारे में सोचते हैं और इस दुनिया में सबको सजा मिलती है। एक दिन आकांक्षा दोपहर को बाथरूम में घुसी तो देखा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने कहा, देखिए आज आप लोग इस बाथरूम को यूज नहीं कर सकते हो, आज ऐसा ही छोड़ना होगा, मैं कल आकर इसे ठीक कर दूंगा। प्लम्बर चला गया लेकिन आकांक्षा चिंता में पड़ गई। मुझे तो रात को बाथरूम जाना होता है, अब क्या करूं? अरे तो उस झोपड़ी बाथरूम में चली जाना। रात को आकांक्षा को प्रेशर आया और उसने बिमला से कहा, माँ चलो ना खड़े रहना बाथरूम के बाहर। अरे क्या मुसीबत है, चल चल। आकांक्षा झोपड़ी बाथरूम में घुस गई और बिमला बाहर खड़ी रही। लेकिन उसी रात को जंगल का खूंखार आदमखोर शेर टहलने निकला था। बिमला को देखकर उस शेर ने बिमला पर हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, बिमला चिल्लाती रही। ये सुनकर आकांक्षा बाथरूम से बाहर निकली और अपनी माँ की मदद करने की बजाय वो दौड़ने लगी। लेकिन वो शेर से तेज थोड़ी दौड़ सकती थी। शेर ने उसे देखा और दौड़ते हुए उसे भी पकड़ लिया। और इस तरह उस शेर ने बिमला और आकांक्षा दोनों का काम तमाम कर दिया। चारों बहनों का दुख तो खत्म हुआ ही, साथ ही उन्हें उनका घर मिल गया, आजादी मिल गई। और इसके बाद चारों बहन उस घर में खुशी खुशी रहने लगी। मधु और उसकी माँ शांति बस में कहीं जा रहे हैं। इतने में बस एक जगह पर रुकती है और मधु को भुट्टे दिखते हैं। उसे भुट्टे बहुत पसंद है। माँ मुझे भुट्टे लाकर दो ना, माँ दो ना। शांति भुट्टे लेने के लिए बस से उतरती है और तभी बस चलने लगती है। मधु चिल्लाती है, माँ माँ जल्दी आओ माँ। शांति बस के पीछे दौड़ती रहती है। अरे रोको रोको रुक जाओ। अरे बस रोको, मेरी माँ नहीं चढ़ पाई है, रोको। शांति बस के पीछे दौड़ती रहती है और इतने में पीछे से एक गाड़ी आकर शांति को कुचल कर चली जाती है। माँ नहीं। मधु की नींद टूट जाती है, वो सपना देख रही थी। आज से 2 साल पहले उसकी माँ का देहांत ऐसे ही हुआ था, तब से मधु हर रात वही सपना देखती है। जनवरी की भयानक ठंड में भी मधु के पसीने छूट जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ उस दिन अगर मैं जिंदा ही करती तो आज आप जिंदा होती, सब मेरी गलती है माँ, मेरी गलती है। ये बोलकर मधु सिसक सिसक कर रोती है। सुबह होने में अभी भी 2 घंटे बाकी है, फिर भी वो उठ जाती है और बाल्टी लेकर तालाब में पानी लाने जाती है। इतनी ठंड में भी उसे सुबह होने से पहले पानी से पूरा घर साफ करना होता है, नहीं तो उसकी सौतेली माँ कमला उसे मारती पीटती है। आज कमला की नींद जल्दी खुल गई। उसने उठकर देखा कि मधु अभी भी घर साफ कर रही है, वो गुस्सा हो गई। अरे मधु की बच्ची अभी तक घर साफ नहीं हुआ। कर रही हूँ माँ, इसी वक्त तो करती हूँ हर रोज। मैंने कहा था कि मेरे उठने से पहले घर साफ हो जाना चाहिए, लेकिन तेरा अभी तक नहीं हुआ, ये ले। कमला ने मधु को एक लात मारी, मधु गिर गई। और उसके बाद कमला ने वो किया जो इतनी ठंड में कोई अपने दुश्मनों के साथ करने का भी नहीं सोचता। कमला ने फ्रिज से बर्फ निकाला और सारा बर्फ मधु के ऊपर डाल दिया। ठंड से मधु की रूह तक कांप उठी। माफ कर दो माँ, माफ कर दो। अरे बाप रे कितनी ठंड है। ठंड के मारे मधु की बोलती बंद हो गई। कमला ने कहा, तू इसी के लायक है, अब मर यहीं पे। कमला चली गई। मधु ठंड में बैठी रोती रही। उसे पता है कि जब तक धूप नहीं निकलती उसे आराम नहीं मिलने वाला है। उसकी सौतेली माँ ठंड से बचने के लिए उसे कुछ देगी नहीं। उसकी सौतेली माँ कमला भी पेट से है। मधु की माँ शांति के मरने के बाद
उसके पिता ने कमला से शादी कर ली और कुछ दिनों पहले कुछ काम से बाहर चला गया। जाते वक्त मधु के पिता ने मधु से कहा, देख बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना, तेरी एक बहन आने वाली है। मधु को लगा कि वो एक बार के लिए कहे कि ये तो मेरी असली माँ नहीं है, लेकिन वो नहीं बोल पाई। उसके पिता के जाने के बाद कमला का अत्याचार जैसे 10 गुना बढ़ गया। छोटी से छोटी गलती के लिए कमला मधु को मारने लगी, उसका खाना भी बंद करने लगी। मधु को ज्यादातर दिन भूखा सोना पड़ा और ठंड का मौसम आने के बाद तो मधु के दुख का ठिकाना नहीं रहा, ऐसे ही चलने लगा। और कुछ ही महीनों बाद कमला की एक बेटी हुई। कमला ने उसका नाम सोनिया रखा। ओले बाबा ले, मेरी बच्ची सोनिया, तू नहाएगी ना? ए मधु। हाँ माँ। मेरी सोनिया के लिए पानी गर्म करके ले आ। मधु पानी गर्म करने चली गई। मधु को नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता था। मधु ने सोचा, क्यों ना मैं इसी से थोड़ा सा गर्म पानी निकाल कर रख लूं। मधु ने एक बाल्टी में अलग से गर्म पानी रख दिया, लेकिन ये करते हुए कमला ने उसे देख लिया। वो बहुत गुस्सा हो गई। अच्छा, अब चोरी भी करने लगी है तू? रुक रुक, तू अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर कमला ने मधु को बहुत मारा। उसके बाद उसी से तालाब से ठंडा पानी लाने के लिए कहा। मधु जब पानी लाई तब कमला ने वही ठंडा पानी मधु पर डाल दिया। मधु ठंड से रो पड़ी। ऐसे ही अत्याचार चलता रहा। कमला ने पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर वाला रॉड खरीदा। ठंड बढ़ने लगी और एक रात भयानक बारिश हुई, तापमान माइनस में चला गया। कमला ने मधु से मजे लेने के बीच रात को कहा, ए मधु, जा तेरी बहन के लिए खाना बना कर ला। ठीक है माँ। लेकिन तू अभी गंदी है, जा पहले नहा कर आ। नहा कर? इतनी रात को? लेकिन आज बहुत ठंड है माँ। तो क्या हुआ, नहा कर आ, बोला ना। नहीं माँ, मतलब बहुत ठंड है। अच्छा, मेरी बात सुनने में तुझे दिक्कत हो रही है, ये ले। ये बोलकर कमला ने मधु को इलेक्ट्रिक हीटर रॉड से इलेक्ट्रिक शॉक दिया। मधु के पूरे शरीर में जैसे बिजली खिल गई। क्यों, आ गया साथ? गर्माहट महसूस हुई क्या? मधु ने रोते हुए अपने ही मन में सोचा, एक इंसान पर इतना अत्याचार कोई कैसे कर सकता है? ये औरत कितनी जालिम है। हे भगवान, इस औरत से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? समय बीतता चला गया। कमला कमला की बेटी सोनिया बड़ी होने लगी। ऐसे ही 20 साल बीत गए। सोनिया और मधु दोनों जवान हो गए। दोनों में सिर्फ फर्क इतना रह गया कि सोनिया रानी की तरह जीती रही और मधु एक नौकरानी की तरह। मधु इन सालों में गुलामी करती रही और वो भगवान को बुलाती रही। भगवान से उसका विश्वास नहीं टूटा। मुझे पता है कि भगवान एक न एक दिन मेरा सारा दुख खत्म कर देंगे, मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। मधु सिर्फ अपनी माँ की यादों के भरोसे जीती रही। उसके पास तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उसका नसीब पूरी तरीके से बदलने वाला है। शांति की एक दूर की चाची थी, उसका नाम कौशल्या था। मधु कौशल्या से बचपन में सिर्फ एक बार मिली थी। अचानक से खबर आई कि कौशल्या की तबीयत बहुत खराब है और कौशल्या ने मधु को बुलाया है। अच्छा, ये तो वही दादी है जिनसे मैं बचपन में मिली थी, लेकिन इतने दिन हो गए, अचानक से अभी बुला रही है, क्यों? जाना तो होगा। मधु कमला से परमिशन मांगने गई, लेकिन कमला ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, बुढ़िया को मरने दे, घर का काम काज छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लड़के वाले देखने आएंगे, उनके लिए खाना कौन बनाएगा? मधु को जाने की इजाज़त नहीं मिली। शाम को लड़के वाले सोनिया को देखने के लिए आए। मधु ने खाना बनाया। लड़के वालों को खाना बहुत अच्छा लगा। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया है? मैंने बनाया है, और कौन बनाएगा? सोनिया ने सारा क्रेडिट ले लिया। तभी लड़के की माँ ने पूछा, अच्छा वाह, तो फिर बोलो जरा राजमा कैसे बनता है? सोनिया जिंदगी में एक बार भी रसोई में नहीं गई थी। उसने बहुत सोच कर बोला, राजमा को प्याज और मसालों के साथ कढ़ाई में उबालना पड़ता है बस। अच्छा, तो फिर उस राजमे को खाने से तो दांत ही टूट जाएंगे। सभी हंसने लगे। तभी मधु ने कहा, राजमा को पूरी रात भिगोकर रखना होगा, उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में सीटी लगवानी होगी और उसके बाद ही बनेगा राजमा। वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मधु। मधु, वाह बढ़िया नाम है। लड़के और उसकी माँ को मधु बहुत पसंद आई और इसी बात से कमला और सोनिया गुस्सा हो गए। उन लोगों के जाने के बाद दोनों मिलकर मधु को मारने पीटने लगे। कमला इलेक्ट्रिक तार लेकर मधु की ओर बढ़ने लगी। मेरी बेटी से रिश्ता छीनेगी तू, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। तभी बाहर एक वकील आया और मधु का नाम लेकर बुलाने लगा। मधु नाम का कोई है क्या यहाँ?
तीनों बाहर आए। हाँ, मैं ही मधु हूँ, क्या बात है? मैं कौशल्या जी के वहाँ से आ रहा हूँ, उनका देहांत हो गया है। हे भगवान, मैं आज ही जाने वाली थी। जी, उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी आपके नाम कर दिया है, सब कुछ मिला के करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर मधु चौंक गई, कमला और सोनिया की जैसे बत्ती गुल हो गई। मधु को अचानक से सब कुछ मिल गया। तभी मधु के पिता वहाँ आए और कहा, और ये घर भी मधु का ही है, ये शांति से शादी करते वक्त मुझे दहेज में मिला था, विल में यही लिखा है कि मधु के शादी के वक्त ये प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। इसका मतलब हमारा खुद का कुछ नहीं है? तभी वहाँ वो लड़का चला आया। मैं करूँगा, मुझे मधु बहुत पसंद है, मैं यही कहने आया हूँ। मधु के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट दिखाई दी, उसे आज सब कुछ मिल गया, उसका सारा दुख दर्द खत्म हो गया। कमला और सोनिया फूट फूट कर रोने लगे। उस लड़के से मधु की शादी हो गई और इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगी।